नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स सेम पर। और आज हम लोग लेकर के आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सेकेंड पार्ट, है ना, 1.1। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को इन डेप्थ पूरा अच्छा समझा था। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो टेलीग्राम ऐप पे जाकर के पूछ लो, ठीक है। और जिन्होंने सीधा एयरलिफ्ट किया इसी वीडियो में, चुपचाप से पहले पीछे का वीडियो देख लो फिर इधर आना, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा रिकॉल कर लेना है क्या क्या पढ़ा था पहले। तो हम लोग देखे थे इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरेक्शन एनर्जी, एक होता है सेल्फ एनर्जी। हम लोग सेल्फ एनर्जी के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक Q1 चार्ज है और एक यहाँ पर Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R12 है, हमने इसे लिख दिया है ना, 1 2, यानी 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस जो ओरिएंटेशन बनाया गया है, ये जो एक कंडीशन बनाया गया है, इस कंडीशन का पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा जाएगा वो क्या लिखाएगा, क्यू पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन R12। सिंपल है। और अब हम लोग इसी में दो तीन चीजें के बारे में स्टडी, अच्छा यहां पर चार्ज का जो है वैल्यू वो हम लोग साइन के साथ में यूज करते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कब चार्ज अट्रैक्ट करता है और कब चार्ज रिपेल करता है। चलो अगर हम उसी के एक पिक्टोरियल डायग्राम के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा होगा, है ना, इसी कंडीशन के ऊपर। तो हम एक कंडीशन बनाते हैं, केस नंबर वन। अगर हम यहां पर लिख दें कि Q1, Q2 दोनों का दोनों जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो और क्या देखते हैं यहां पर कि Q1 और Q2 दोनों का दोनों जीरो से छोटा है, यानी कि दोनों ही निगेटिव है। तब क्या होगा, तब ऑब्जर्व करो कि जो पूरा का पूरा सिचुएशन बनेगा, इस सिचुएशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या स्थिति रहेगा। यहां पर हम लोग प्लस चार्ज रखेंगे, यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं समझूंगा, अगर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गया है इस कंडीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहता है, अपने मिनिमम स्टेट में आ जाए। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जो पॉजिटिव है वो मिनिमम होना चाहेगा, यानी कि प्लस से भी घट करके जीरो की तरफ आएगा, यानी कि टेंड करेगा जीरो की तरफ। अब जीरो है किधर, इन्फिनिटी पर, याद करो पोटेंशियल, हम लोग इन्फिनिटी में जीरो माने थे ना जी। तो ये अप्रोच करेगा पूरा सिस्टम इन्फिनिटी के लिए, इसीलिए यहां पर हमको रिपल्जन अप्रूव होता है। इस कंडीशन पे हम लोग क्या सीखे थे कि रिपल्जन होने वाला है, ठीक है। अगला कंडीशन के बारे में बात करते हैं, केस नंबर टू, कि हम अगर कर दें कि Q1 जीरो से बड़ा है और Q2 जीरो से छोटा है, यानी एक ये वाला पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, या फिर ऐसा हो जाए कि Q1 ही जीरो से छोटा है और Q2 जीरो से बड़ा है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब सोचो क्या होगा, यहां प्लस रखोगे यहां माइनस रखोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, या फिर यहां माइनस रखोगे यहां प्लस रखोगे तब भी निगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में बनेगा U निगेटिव है। अब ये क्या चाहेगा, निगेटिव वाला क्या चाहेगा बताओ, ये इस जगह पे निगेटिव है तो अभी क्या चाहेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, निगेटिव है। कब है निगेटिव, इस सिचुएशन पर ये और निगेटिव होना चाहेगा, जीरो नहीं होना चाहेगा, ये और निगेटिव होना चाहेगा। देखो हर समय चाहता है कि सिस्टम मेरा और छोटा हो जाए, जितना है हम उससे और छोटा हो जाए। इस जगह पे हम देख रहे हैं कि मेरा वैल्यू ज्यादा निगेटिव नहीं है तो और निगेटिव करवाते हैं, है ना, इसको हम और निगेटिव नजदीक लेके आएंगे, अट्रैक्शन दिखेगा इस कंडीशन में, क्या दिखेगा, अट्रैक्शन।
ठीक है, इस जगह पे हमको अट्रैक्शन दिखेगा क्योंकि ये इस जगह पे है, और नजदीक लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू ये छोटा होगा, इसका ये जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा है आगे में ही निगेटिव है, यानी और निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी निगेटिव है तो ये और निगेटिव की तरफ मूव करेगा, इसको करने पर इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इतना हम लोग सीख चुके थे, है ना, छाप लो पहले यहां तक जल्दी से छाप लिए। तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे कैसे रिपेल हो रहा है, ठीक है। अगला कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, लिख रहा है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एन चार्जेस के ऊपर बात कर रहा है। मतलब मान लो कि यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q12 चार्ज है, ठीक है, यहां पर कहीं पर Q13 चार्ज है, क्या लिख रहे जीवन थे Q2 चार्ज है और यहां पर Q3 चार्ज है। हम कह रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये R12 कह रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस को हम कह रहे हैं R23, इनके बीच का डिस्टेंस को कह रहे हैं R13, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखाएगा, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर हम इसी का लिखना चाह रहे हैं तो एक तीन शेप का ही बात करते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे भाई, इस दोनों का एक इंटरेक्शन बनेगा, है ना, इंटरेक्शन कैसे कैसे लिखा जाएगा, यहां पर देखना ध्यान से, के हम अगर लिखें यहां पर Q1 × Q2 / R12, हम उसको नहीं देख रहे, देख रहे हम यहां देखो, देख रहे एक बार हम आगे 1 और 2 लिख रहे हैं, प्लस के Q2 × Q1 / R12, ठीक है, एक पेयर ये बना लिए। अच्छा दोनों सेम पेयर है क्या, देखो तो R12 रहे या Q21 रहे, दोनों तो सेम पेयर बन रहा है। उसी तरह से अगर हम इस दोनों के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, के Q2 Q3 / R23 प्लस में के Q3 और Q2 R32, सेम है क्या ये दोनों मिला करके, R23 रहे या 32 रहे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो तो सेम ही आने वाला है। और अगला हम लिख रहे हैं के Q1 Q3 / R13 प्लस में के Q3 Q1 / R31, अगेन इस दोनों का भी जो पेयरिंग बनेगा, हम लोग पिछले क्लास में फिक्स हुए ना यहाँ उधर पेयर बनाते थे, लेकिन हम देखो छह पेयर बना दिए जबकि बनना चाहिए था इसमें तीन ही, कमाल का बात ये कि इसमें तीन नहीं है, तीन ही है, दो जो आ रहा है आइडेंटिकल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखें क्या, इस चीज को हम ऐसे लिखें क्या, समेशन हम करवा रहे हैं, देखना ध्यान से, हम बेसिकली इसको लिखने का एक पैटर्न जनरेट करना चाह रहे थे, हम इसको लिख रहे हैं समेशन, हमको दिख रहा है के दिख रहा है, क्यू आई दिख रहा है और क्यू जे दिख रहा है, Qi और J, और नीचे में दिख रहा है Ri और J, हम I का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक करवा देते हैं, 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है, इज इट ओके, और J को भी हम करवा देते हैं I का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक। लेकिन जब हम ऐसा करवा रहे थे, अगर हम ऐसा हम करवा रहे हैं, मतलब ये समझ में आ रहा बात की 1 से लेकर 3 तक, देखो 1 I का वैल्यू 1 ले लिए और इसको J कर लेते हैं और J का वैल्यू भी 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहां पर से अगर हम यहां पर लिख दें J 1 से 3 तक तो यहां पर लिखें I, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है, तो ये पूरा का पूरा जो पेयरिंग बनेगा इसमें देखो 1 भी आएगा 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, देखा 1 भी आएगा 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, इस कंडीशन में टोटल 6 पेयर बन जाएंगे। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, हमको इसको आधा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों मिला करके हम एक ही लिख पाए, या तो एक रहे दूसरा रहे और तीसरा रहे, तब तो यही पेयर बना ना कि नहीं बना, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको अगर इसी तरह से फॉर अगर हमको एन पार्टिकल के लिए लिखने के लिए बोले, एन पार्टिकल के लिए लिखने बोले तो हम इसको लिखते हैं 1/2 समेशन ऑफ J का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, समेशन ऑफ I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, K Q I Q J / R I और ये रहा J, ठीक है, सेम चीज ऐसे लिख देंगे।
इसमें ये हाफ इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमको जो आई और जे मिलेगा कहीं पर अगर यहां पर वन और टू रखे हैं तो टू वन भी मिलेगा, है ना, टू वन भी मिलेगा, इसलिए हम उसको आधा कर देंगे, है ना, पूरे के पूरे सेपरेशन में। इस तरह से हमको एन पार्टिकल के बीच का पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो वीडियो को घुमाओ और अपने से भी थोड़ा तीन चार बनाओ, चार के बनाओ, पांच के बनाओ, तुम देखना अपने सेटिस्फाई करके देखो ये आता है कि नहीं आता, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग टोटल तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि कैसे एक जगह पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम दूसरे जगह पे लेके जाएंगे या फिर अपने आप ही उसको स्पॉन्टेनियसली छोड़ देंगे, तो वो अगले किसी डिस्टेंस पर आकर के उसकी स्पीड कितनी होगी हमको ये निकालना है, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। तो टॉपिक नंबर वन के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक वन क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज, ठीक है, स्पीड ऑफ चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन, हम बहुत सारे सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग इस सिचुएशन को लगाने के पहले जो इस सवाल में यूज करेंगे उसके लिए हम दो थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। हम लोग सब जानते हैं लेकिन बस बता देना चाहते हैं तुम लोगों को, अगर मान लो किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लगता है तो हम बताए थे कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लगा देना है। अगर किसी सिस्टम पर फोर्स नहीं लगे, लिख लो, इफ एफ नेट ऑन द सिस्टम इक्वल टू जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, है ना, कॉन्स्टेंट या कंजर्व कर सकते, है ना, कंजर्व हो जाएगा, है ना, कंजर्व। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा के बारे में बात कर सकते हैं। और इस पूरे कहानी में जब भी स्पीड वगैरह की बात हो तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव सारी के सारी चीजें हो रही है, फोर्सेस भी कंजर्वेटिव है, इसलिए हम से निकाल लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लगा देंगे। तो हम जानते हैं एनर्जी जितना सिस्टम का इनिशियल होता है उतना ही फाइनल होगा। एनर्जी इनिशियली क्या लिखेंगे, यू आई, है ना, प्लस में के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस में के एफ, हम ये यूज कर लेंगे, ये दो चीज, ठीक है, छाप लो। हम अब सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, छाप लिए, ओके, चलो एक एक करके बात कर रहे हैं। पहला नंबर में सिचुएशन नंबर वन के ऊपर बात करते हैं। यहां पर एक चार्ज दिया हुआ और यहां पर भी एक चार्ज दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इसका चार्ज का वैल्यू है q, इस चार्ज का वैल्यू है 2q, इसका मास है 3m, इसका नाम दिया है 4m। एक चार्ज है q, एक चार्ज है 2q, इसका वजन है 3m, इसका वजन है 4m, और ये दोनों ही r सेपरेशन पर रखा हुआ है, ऐसे r सेपरेशन पर रखा हुआ है। फाइंड वेलोसिटी, या वेलोसिटीज एट 2r सेपरेशन, 2r सेपरेशन पर इसकी वेलोसिटीज कितनी होंगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यही सवाल है, इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले ध्यान समझना ये क्या क्या हो रहा है यहां पर। सबसे पहले तो भाई जो चार्ज है हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। यही चार्ज है q है और यहां पर कह रहा है 2q है, और इसका वजन दिया है 3m, इसका वजन दिया है 4m, और इसके बीच का डिस्टेंस है r। क्या फोर्स, देखना ध्यान से, फोर्स सिस्टम में लगा है क्या, देखो ध्यान से, इसने इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाया होगा तो इसने भी इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाया होगा, तो नेट फोर्स जो है जीरो हो गया होगा। इस सिस्टम पर लगने वाला एफ नेट तो हमको साफ साफ दिख रहा है जीरो है, और इस चक्कर में यह होगा कि ये दोनों ही मास ऐसे सेपरेट करें क्योंकि फ्रीली है, ये कहीं से सटा उटा नहीं है, कहीं से गोंद नहीं किए हैं, ग्लूड नहीं किए हैं, फिक्स्ड नहीं है, इस चक्कर में दोनों ही चलना स्टार्ट होगा म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स के कारण, ठीक है। ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड रहेगा लेकिन दोनों ही मास सेपरेट होगा। इसके बाद का अगर सिचुएशन के ऊपर बात करें तो पार्टिकल कहीं ना कहीं 2q यहां पहुंच जाएगा और q यहां पहुंच जाएगा, इसका वजन हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 4m, ठीक है। एफ नेट सिस्टम का जीरो है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं
एफ नेट इक्वल टू जीरो है। जब ये टू आर सेपरेशन पर होगा और अभी ये रेस्ट पे था तो थोड़ी देर का कुछ तो स्पीड गेन कर दिया होगा। एज्यूम कर लेते हैं इस वाले का वेलोसिटी है बी और इस वाले का वेलोसिटी हो गया इधर की तरफ यू, क्योंकि ये इधर ही जा रहा होगा और ये इधर ही जा रहा होगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? देखो बस ये आर सेपरेशन पे ये दोनों रेस्ट पे था, ये दिख रहा है ओके? नहीं दिख रहा, नीचे बदल कर दे रहे हैं, यहां पर कर दे रहे हैं, ये है 2q और यहां पर 4m और इसका स्पीड है भी, आपको दिख रहा होगा ओके। चलो ठीक है, तो ये हो गया 2r सेपरेशन पर, इसका स्पीड u, इसका स्पीड v। तो हम पहला नंबर में यही चीज समझ में आ रहा है कि अपडेट सिस्टम का जीरो है तो क्या लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। शुरुआत में क्योंकि दोनों ही मास रेस्ट में था, मोमेंटम इक्वल टू मास वेलोसिटी होता है ना, दोनों ही मास रेस्ट में है तो मोमेंटम इनिशियली तो जीरो है। बाद में क्या हो गया, ये इधर जा रहा है तो इसका मास 3m और वेलोसिटी u, तो 3m into u नेगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में 4m into v हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि 4m into v equal to 3m u हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो गया 3u upon 4। आ गया समझ में? एक तो ये लगा दिए, कोई दिक्कत है? सेकंड, हाँ। अगला चीज लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके हिसाब से क्या कहते हैं कि जितना शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है, जितना काइनेटिक एनर्जी है, उतना ही फाइनल में रहेगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि ये पहला सवाल है, फिर धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा ओके। यू आई इस जगह पर, यह है इनिशियल कंडीशन, बाद में यहां पहुंच चुका है। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाय आर, क्या हो जाएगा, के क्यू टू क्यू अपॉन आर, प्लस में स्पीड दोनों का ही जीरो है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो है ना, दोनों का ही जीरो। बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखाएगा, बाद में यहां पहुंच चुका है के क्यू टू क्यू बाय टू आर, समझ रहा था, के क्यू टू क्यू अपॉन 2R, प्लस में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 3m into u स्क्वायर और हाफ ऑफ 4m into v स्क्वायर, हाफ ऑफ 3m into u स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ 4m into v स्क्वायर। इज दैट ओके, समझ में आ गया बात? यहां साफ दिख रहा है कि 2k q स्क्वायर अपॉन r दिख रहा है, यहां से माइनस में 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है, यहां से हो गया हमारे पास k q स्क्वायर अपॉन r इज गेटिंग एज हाफ ऑफ 3m इंटू यू के जगह पे u ही स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस में हाफ ऑफ 4m इंटू वी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं क्या? देखो v का वैल्यू क्या था, 3m इंटू यू था ना, 3u अपॉन 4 था ना, इसको हम पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3u अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आ गया, इज गेटिंग एज यहां पर दिख रहा है हमको 16, इज दैट ओके, दिख रहा है 16, हाँ ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, इज दैट ओके, तो यहां पर कर लेते हैं 6 और यहां पर हो गया 9, ठीक है, 15 एम यू स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ऐड कर लेना, चेक कर लेना कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमको यहां से यू का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो साफ दिख रहा है यहां से क्यू स्क्वायर अपॉन 15 पाई एप्सिलॉन, के का वैल्यू वाला अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है ना, तो 4 से 4 कट गया तो 15 पाई एप्सिलॉन 0 आर इनटू एम, 4 उधर ही चला गया, 15 इधर ही आ गया, का रूट हो जाएगा यू, यू आ गया इतना, तो बी का वैल्यू 3 क्यू अपॉन 4। यहां से अगर हम बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जाएगा 3 अपॉन 4 रूट ओवर क्यू स्क्वायर अपॉन 15 पाई एप्सिलॉन 0 आर एम। एक काम करना भाई, सॉल्व कर लेना, थोड़ा देखना कि सब क्या आ रहा है डेटा, ये तुम्हारा काम है, हम बस यहां तक स्टेप सही किए और ऐसे ही तुम लोगों को करना है। समझ में आ चुका है बात? बाकी एडिशन वगैरह तुम लोग थोड़ा होशियार हो ही कर लेना। पहला कंडीशन समझ में आ चुका है कि दोनों अगर फ्रीली रहे, रेस्ट में रहे, तब उसकी स्पीड 2R सेपरेशन पर कितना था, कोई दिक्कत है? अगले सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं।
सिचुएशन नंबर टू, सिचुएशन नंबर टू में क्या हो सकता है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक क्यू चार्ज रखे हैं और यहां पर हम माइनस में टू क्यू चार्ज रख दिए, यहां पर थ्री एम चार्ज है और यहां पर एम चार्ज है और किसी डिस्टेंस थ्री आर सेपरेशन पर है, तो फाइंड द स्पीड एट आर सेपरेशन। अब ये आर सेपरेशन में क्या कचरा है देखो, तो अभी ये रेस्ट में तो दोनों अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा तो नजदीक आएगा, तो आर ही सेपरेशन पर हम पूछ सकते हैं कि भाई स्पीड क्या है। ठीक है, बात समझ में आ चुका है बात। तो क्या क्या कर सकते हैं, पहला सिचुएशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि ये यहां है शुरुआत में, है ना, एम है, सॉरी यहां थ्री एम है और यहां पर एम है, यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस टू क्यू है और ये सिस्टम रेस्ट में है, साफ दिख रहा है दोनों ही कंप्रेस करेगा और ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा और ये इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स से लगाएगा, दोनों ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और इस सिस्टम का भी हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, हर बार मोमेंटम कंजर्व हो ही रहा है फिर क्या दिक्कत है, आर सेपरेशन का पिक्चर बना सकते हैं। जब नजदीक आ गया होगा तब इसका स्पीड यू रहा होगा और इसका स्पीड भी रहा होगा, क्यों हम कह रहे हैं दोनों का स्पीड अलग अलग, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है और अगर दोनों का मास सेम होता तब दोनों का स्पीड भी सेम हो जाता, ये बात थोड़ा दिमाग में रख लेना है, 3m और यहां पर m होगा। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, इनिशियल में तो रेस्ट में ही है तो जीरो ही होने वाला है, बाद में क्या हो जाएगा, ये इधर जा रहा है तो 3m into u प्लस डायरेक्शन में और m into v माइनस डायरेक्शन में, तो m v is equal to 3mu हो गया, v equal to 3u हो गया। सिमिलरली यू आई प्लस में के आई, यू एफ प्लस में के एफ, शुरुआत में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर, बेसिकली थ्री आर है यहां से आता है डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज माइनस टू क्यू, देखो यहां माइनस टू क्यू नहीं, क्योंकि साइन के साथ में लेते हैं चार्ज का वैल्यू पता है ना, अपॉन माइनस में ये हो गया थ्री आर डिस्टेंस, शुरुआत में कैंडिडेट है नहीं, बाद में ये दोनों किस जगह पे आ चुका है, आर सेपरेशन पर आ चुका है ना, तब क्या हो जाएगा, के क्यू है ये और यहां पर है माइनस में टू क्यू, के क्यू माइनस टू क्यू अपॉन आर हो चुका है प्लस में हाफ ऑफ एम है यहां पर थ्री एम इंटू यू स्क्वायर और प्लस में हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहां साफ दिख रहा है कि माइनस में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3R दिख रहा है, या माइनस था इसलिए प्लस में हो जाएगा और यहां दिख रहा है हमको 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन R इज गेटिंग एज 3 बाय 2 एम यू स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ एम बी के जगह पे लिख सकते 3U का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम आसान हो गया। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 में से 2 गया तो 4 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 आर हो जाएगा, ये इज गेटिंग एज 9 और 3 12 एम यू स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आप यहां से यू नहीं निकाल सकते हो जी, कितना आसान तो सवाल हो गया, नहीं हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से यहां हो जाएगा 6 3 जा 18 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर का रूट इक्वल टू यू और u आ गया तो v का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ u, इज इट ओके, छाप लो, समझ में आ गया ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में रिपेल हो रहा था इससे सेपरेशन बढ़ रहा था, इसलिए r के बजाय 2r में पूछ लिए, इस बार अट्रैक्ट हो रहा था इसलिए 3r से हम 2r में पूछ लिए स्पीड। ठीक है, अब अगले सिचुएशन में बढ़ते हैं। तो तीसरा कंडीशन सीख रहे हैं यहां पर कि इस बार कह रहे हैं कि एक चार्ज है जो फिक्स्ड है, एक जगह पर फिक्स कर दिया गया, ग्लूड कर दिया गया, चिपका दिया गया है। अब जो है यहां पर एक चार्ज को यहां पर एक रख करके रेस्ट पे छोड़ दिया गया, तो इसका स्पीड निकालना है किसी 2r डिस्टेंस पर, शुरुआत में r डिस्टेंस पर है, इस चार्ज का मास दिया हुआ। ठीक है, चलो अब वीडियो बनाते हैं सिस्टम का, क्या है यहां पर दिक्कत इस वाले सिस्टम में, यही है चार्ज जिसका वैल्यू है q और यहां पर है स्मॉल q जिसका मास है m। ऑब्जर्व करते हैं,
ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस वाले के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स एफ लगा रहा होगा और ये वाला भी इधर की तरफ एक एफ फोर्स लगा रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या तो सबको पता है। अब बताओ एक चीज की ग्लूड वाले के कारण, ये फोर्स के कारण देखो ध्यान से, ये जो इस पे फोर्स लगा इसके कारण ये चाहेगा इधर निकल जाने के लिए, लेकिन ग्लूड है ये क्या करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगा देगा जो फ्रिक्शन की तरह काम करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, हम ये कह सकते हैं इसको एफ एक्सटर्नल की तरह काम कर रहा है ये, जिसके कारण से ये चार्ज कम से कम मूव नहीं कर पाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व किए, इस दोनों ने तो भाई अपना अपना फोर्स कैंसिल कर दिया है, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अपीयर हो चुका है। तो हम इस चक्कर में क्या बोलेंगे, हियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम नॉट कंजर्व्ड, है ना, नॉट कंजर्व्ड, है ना, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज अपीयर्ड, है ना, फोर्स अपीयर्ड हो चुका है ना, अपीयर आ चुका। इस चक्कर में क्या बोल सकते हैं, बस एक ही चीज है ना, हेंस वी कैन अप्लाई ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, ऑफ एनर्जी, हम सिर्फ यही चीज लगा सकते हैं। तो लगा दो, जब लगा सकते हैं तो बस ये लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू एफ प्लस में के एफ, शुरुआत में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, इस जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर डिस्टेंस प्लस में कैंडिडेट सिस्टम का रेस्ट पे था, लेकिन जब टू आर डिस्टेंस पहुंच जाएगा, जब टू आर डिस्टेंस का पिक्चर बना देना, जब ये टू आर डिस्टेंस पहुंच जाएगा, ये तो यही रहेगा चार्ज, ये तो हिलने वाला है नहीं क्यू वाला, लेकिन ये यहां पहुंच चुका है, इसकी स्पीड भी हो चुकी है कुछ दी, समा से हम टू आर डिस्टेंस पर एवरेस्ट से था, फोर्स लगाए थे, स्पीड बढ़ते चला गया होगा, तो कुछ तो वेलोसिटी गेन कर ही लिया होगा। तो बाद में हम कह सकते हैं इस जगह पर पोटेंशियल जी क्या लिखोगे, के क्यू क्यू अपॉन टू आर प्लस में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, घट जाएगा इधर से क्या, के क्यू क्यू अपॉन टू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू, इधर ओके, यहां से क्या आ गया क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एम आर का रूट, दैट्स वेलोसिटी बी, ये हो गया आंसर। इस सवाल से हम क्या ऑब्जर्व किए, बस इतना ही कि ये तो सारा काम उतना ही, बस में मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगाए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता हुआ दिख रहा है। मजा आ गया, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पहला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। टॉपिक टू, नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। इसमें केसेस हैं भाई, बहुत सारे केसेस हैं। केस नंबर वन, हम कह रहे हैं कि व्हेन वन चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड अनदर चार्ज अप्रोचिंग इट, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं इस पूरे कहानी में, अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज को हम फिक्स कर दिए हैं, मान लो क्यू चार्ज है, इसको फिक्स कर दिए, और दूसरे चार्ज को किसी वी नॉट स्पीड से एम, है ना, इसका क्यू है, है ना, चार्ज क्यू है, इसको वी नॉट स्पीड से इसके तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा जब स्पीड अभी वी नॉट है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये प्लस है, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंके हैं, जाए जाए ऐसे, है ना, ऐसे ठीक है, नहीं देखा, बहुत स्पीड जाएगा, सर थोड़ी जाएगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो बहुत ज्यादा नजदीक आते आते रुक जाएगा और उसके बाद बैक मार जाएगा, ठीक है। और उसी सिचुएशन को हम कह देंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जा रहा था, जा रहा था इस रास्ते से, और यहां पर आकर के ये कुछ मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच करते हुए वापस आ गया, ऐसे ऐसा भी बात। और यहां पर क्या आ जाएगा, मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएगा,
मोमेंटली क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेस्ट में आ जाएगा ये भी रेस्ट में। समझ में आ गया बात। अब पहला बात, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं? एकदम नहीं, क्योंकि अब फिक्स्ड है। क्या ये फिक्स्ड है तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो लगा नहीं सकते, तो बस काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। क्या लगा देंगे? फ्रॉम यू आई के आई यू एफ प्लस में के एफ। शुरुआत में क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाय, मान लो इन्फिनिटी डिस्टेंस है शुरुआत में, अगर तुम्हारे पास शुरुआत में कोई डिस्टेंस दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उस समय पोटेंशियल जी ले लेंगे। अभी हम मान के रखे कि पोटेंशियल जी हमारे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, कोई दिक्कत? तो हम कह रहे हैं जब इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहा है पोटेंशियल जी जीरो, अगर तुम्हारे पास सवाल ये दिया रहे अभी डी डिस्टेंस से आ रहा है तो शुरुआत में ना के क्यू क्यू अपॉन डी, क्या दिक्कत है? हम अभी इन्फिनिटी डिस्टेंस से मार रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर। UF क्या हो जाएगा? जब बहुत नजदीक आ जाएगा तब तो फिर यहां पर ये चार्ज तो यहां था, तब यहां चार्ज आ जाएगा, तो इसके बीच क्या लगेगा? क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम, के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम, प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो क्योंकि मोमेंटली अरेस्ट पे आ चुका है। फिर से देखो कैसे कैसे लगा, इन्फिनिटी पर था इसलिए पोटेंशियल जीरो, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमने फेंका है तभी तो गया है आगे, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इसका हो चुका है के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम, क्योंकि अभी भी सेपरेशन तो है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो। आए समझ में? हमको क्या निकालना है? आर मिनिमम ये तो निकालना था, आर मिनिमम ऊपर ये प्लस सब नीचे, तो क्या हो जाएगा यहां से आर मिनिमम का वैल्यू टू के क्यू क्यू अपॉन एम वी नॉट का होल स्क्वायर, दैट्स योर आर मिनिमम। कोई दिक्कत है? वो रदरफोर्ड मॉडल पढ़े हो सब, कोई 11 में पढ़े होगे। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करवाया गया था गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो देखा गया था कि है ना गया गया था और कुछ 1% ऑफ पार्टिकल्स अपने ही रास्ते पर रिट्रेस कर गया था, याद है? तो उसी तरह का एक सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट किया गया है क्वेश्चन में, कि एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है टीन का जिसका कि जेड का वैल्यू 50 है और इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया गया है, तो हमको यह जानना है कि सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस क्या है इसका कि जब ये अप्रोच कर रहा था। ठीक है, अभी सवाल को मतलब उसी सिचुएशन का जो पहला भी है उसका सवाल लेंगे, तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये बहुत बड़ा मास है एज कंपेयर टू अल्फा। अल्फा सबको पता होना चाहिए, अल्फा का वजन होता है 4, चार्ज होता है प्लस 2। ठीक है, और यहां पर देख लो इसका जेड ही है 50, मास इसका 112 या 130 के आसपास में होता है, टीन है ये। ठीक है, तो समझ में आ चुका है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली मास क्या होता है, जेड से मतलब था, एक बस इतना ही समझ लो कि बहुत बड़ा बॉल है उसके सामने एक गेंद को मारा जा रहा है, ये फिक्स है नहीं है तो भी फिक्स के तरह ही बिहेव करेगा क्या? तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो लगा नहीं सकते, लॉ वाला सॉरी मोमेंटम वाला, तो या काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो मामला खत्म। तो क्या बोलेंगे भाई? यू आई प्लस में के आई यू एफ प्लस में के एफ। शुरुआत में हम ये बोल रहे हैं कि बहुत दूर से फेंका गया है तो पोटेंशियल जी शुरुआत में है नहीं, काइनेटिक एनर्जी इसके पास इतनी एनर्जी दी गई थी, ठीक है हाँ सॉरी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कैसे लिखेंगे 10 मेगा मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन है लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10^-19 जूल, इतना हो गया जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे कैसे लिखे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.7^19 जूल, इतना है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही जूल बोलते हैं, इतना आ गया इसका पूरा का पूरा एनर्जी। बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के इसका चार्ज कितना है 2e, इसका चार्ज 50e हो जाएगा, नहीं जेड का वैल्यू 50 है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ e अपॉन डिस्टेंस हो गया आर मिनिमम, और बाद में काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर आकर रेस्ट में आ जाता है ना, ये रेस्ट में आ गया काइनेटिक जीरो हो गया। सॉल्व करना है इसको बहुत सिंपल हो गया, देखो आर मिनिमम निकाला इसे इतना डिवाइड कर देंगे, तो आर मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा के यानी कि 9 × 10^9 इंटू 25 है ना 50 × 200 स्क्वायर बाय आर मिनिमम, ये है ना
10 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज माइनस में 19। इज इट ओके? देखो तो एक ही से एक ही खत्म हो गया, तो क्या बचा 900। ठीक है, 900 अपॉन 10 इंटू 10 रेज माइनस 6 इंटू एक ही बचा है तो 1.6 इंटू 10 रेज माइनस में 19 हो गया। दो तो यहीं से खत्म हो रहा है, यहां से पॉइंट आ जाएगा 10। इज इट ओके? तो कितना हो गया जी, 16 इंटू 9 144 इंटू 10 रेस टू दी पावर 19। और ओके 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 माइनस में 25 मीटर। इज इट ओके? इतना आ गया। अब ये दो पॉइंट इधर भेज दोगे तो, या फिर एक पॉइंट इधर 14.4 इंटू 10 पर पावर माइनस में 26 मीटर। होप करते हैं सही है। ठीक है, अरे एक 9 छूट गया जी, इंटू 10 रेस टू दी पावर 9, तो इंटू 10 रेस टू पावर 9 यहां हो जाएगा हमारे पास कितना 15। इधर रखे हाँ 15 आ जाएगा, मतलब कितना हो गया 14.4 फर्मी, फर्मी मतलब उसमें से 15 मीटर। इज इट ओके? इतना आ गया आर्मी में। सिंपल था, थोड़ा एक चीज छूट गया था 10^9। समझ में आ गया? केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मान लो केस नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं, एक चार्ज व्हेन वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड another one is approaching, है ना, और दूसरा इसको अप्रोच कर रहा है। गड़बड़ा रहा है जी माइक, हमको परेशान कर रहा है। हाँ चलो ठीक, तो क्या कह रहे हैं यहां पर, अगर एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा अप्रोच कर रहा है दूसरे को, तब क्या होगा? देखना ध्यान से, एक चार्ज यहां है और एक चार्ज यहां है, दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है ना, एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज यहां पर कैपिटल क्यू। ठीक है, और इसके बीच का इंफिनिटी डिस्टेंस है शुरुआत में। ठीक है, और ये रेस्ट में है और इसका स्पीड हम कह रहे हैं कि वी नॉट है, कितना है वी नॉट है। ठीक है, और इसका वजन है एम वन और इसका वजन है एम टू। फिक्स नहीं है, ये रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक है, फिक्स नहीं है तो क्या होगा? एज कंपेयर कंपेरिबल है दोनों का दोनों मास, यानी कि एक मास है बहुत बड़ा है, दोनों मास ऑन एवरेज है, मतलब मान लो 2 गुना है 3 गुना है, चलेगा ये नहीं कि 1000 गुना मास है, वैसा वाला नहीं चलेगा, जैसे पीछे था अभी वैसा नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों ही सेम चार्ज है तो ये आएगा आएगा आएगा, इसको पुश करना स्टार्ट करेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा और इसका वेलोसिटी 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, और बाद में क्या होगा कि दोनों का दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर जाएगा, जो कि मिनिमम सेपरेशन के साथ में मेंटेन करते हुए चलेगा। फील हुआ नहीं हुआ? फिर सुनो, ये भी रेस्ट में है, इसके फोर्स क्या लग रहे हैं कि भाई इसकी स्पीड तो बढ़ेगी और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा है उसी में इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो बाद में इसका वेलोसिटी घटते 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 एक वैल्यू पर पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते 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 एक वैल्यू पर पहुंचेगा, और दोनों वैल्यू बढ़ते हैं ना, इसका वैल्यू घटते घटते बढ़ते 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 एक मेंटेन हो जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद इसी वेलोसिटी से दोनों चलते रहेगा। यानी कि फाइनली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एक खास स्पीड से मिनिमम डिस्टेंस के साथ में मेंटेन करते हुए चलते चला जाएगा और दोनों को मोक्ष हासिल हो जाएगा। दोनों कॉमन वेलोसिटी से, है ना, कह सकते क्या, भी स्पीड से दोनों ही चलने लगेगा दोनों। ठीक है, तो यहां पर फोर्स देख लो, फोर्स 0 है क्योंकि एक्सटर्नल कोई नहीं आया, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, एयर एफ एक्सटर्नल जो है वो लग रहा है 0, इसलिए पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होना है, तो पी इनिशियल कितना है एम वन इंटू वी नॉट इक्वल टू
एम वन भी प्लस में एम टू इंटू भी, क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहा है, भी इज द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से एम वन भी नॉट इक्वल टू भी टाइम्स ऑफ एम वन प्लस में एम टू, एक रिलेशन यहां से आ गया, ठीक है। और सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू आई प्लस में के आई इक्वल टू यू एफ प्लस में के एफ। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम बोल चुके हैं कि इन्फिनिटी सेपरेशन पर हम लिए हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अगर मान लो किसी सेपरेशन पर देगा तो हम वो भी पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा एम वन वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम का डिस्टेंस है प्लस में हाफ ऑफ एम वन वी स्क्वायर एम टू इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर से इस वी के जगह पे पूरे का वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व करके हमको आर मिनिमम का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, हम इसके ऊपर एक सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे सब, बाकी अपना जगह पे जुटो का करने से कोई फायदा है नहीं। तो देखो यहां पर सवाल क्या है, एक प्रोटॉन है प्लस ई और एक और प्रोटॉन है प्लस ई, दोनों का वजन है एम दिया हुआ और ये वाला रेस्ट में है, ठीक है, दोनों में से एक रेस्ट में है और ये किसी स्पीड यू से दिख रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और फिर से वही सेम कि जब ये आएगा तो अप्रोच करने लगेगा, इसकी स्पीड घटेगी क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये इसको जब इसको इधर से रिपेल कर रहा है इसका स्पीड बढ़ाएगा, दोनों का कॉमन वेलोसिटी अप्रोच करेगा तो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा। दोनों कॉमन वेलोसिटी हमारे बी है, ठीक है, यहां पर ई है, यहां पर ई है, और दोनों पे प्लस चार्ज है और एम है और एम है, और हम तब कहेंगे दोनों एक कॉमन मेंटेन करके एक वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो दोनों सटने वाला तो है नहीं, तो कॉमन वेलोसिटी चलते रहेगा, ठीक है। तो सेम अभी जो सिचुएशन किए हैं उसी पर बात कर लेते हैं फटाफट। क्या लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम प्लस में फाइनल मोमेंटम, शुरुआत में एम यू है, बाद में एम वी प्लस में एम वी है, एम यू है एम वी प्लस में एम वी है, तो एम से एम तो खत्म हो गया, तो यू इक्वल टू हो गया टू वी, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यू एफ के एफ, शुरुआत में पोटेंशियल क्या होगा के ई बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर, क्या बात कर रहे हो जी, ऐसे होगा जी ई बाय, अरे शुरुआत में मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, कितना अच्छा बनेगा सवाल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर यू एफ ई बाय आर मिनिमम के ई इंटू ई अपॉन आर मिनिमम प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है। देख लो ध्यान से क्या क्या आ गया, एम यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम प्लस में हाफ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर ही हो गया ना, एम इंटू वी स्क्वायर, इज इट ओके। तो हम एक काम करते हैं इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो एम यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस में एम वी स्क्वायर, वी बराबर क्या हो जाएगा यू अपॉन टू, यानी कि यू अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम, तो एम यू स्क्वायर अपॉन फोर दिख रहा है यहां पर, एम यू स्क्वायर अपॉन टू दिख रहा है, तो हमको साफ साफ मिलेगा एम यू स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर मिनिमम, ठीक है, के की जगह वन अपॉन फोर पाई जीरो लिख दिए, आर मिनिमम का वैल्यू आ चुका है आई थिंक, तो आर मिनिमम इक्वल टू दिख रहा है हमको, फोर से फोर भी खत्म हो गया ना, ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो एम यू स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है, हो गया आर मिनिमम, ठीक है। और अब देखो केस नंबर थ्री, सबसे धमाकेदार केस नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का, ठीक है, यहां पर थोड़ा तुम लोग के ऊपर काम दे देंगे। कंडीशन समझो क्या है, कि एक चार्ज है जो फिक्स्ड है,
ठीक है, एक चार्ज जो कि अभी फिक्स दिख रहा है क्यू है, और ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज दिख रहा है क्यू, और इसको हमने वी नॉट स्पीड से इस डायरेक्शन में हमने ऐसे थ्रो कर दिया। तो अभी तक चार्ज को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन में फेंकते थे, अभी हम लोग थोड़ा एक पैरेलल डिस्टेंस ऐसे करके मेंटेन करके हम फेंके हैं। ये नाइन्थ या फिर इलेवेंथ में जब हम लोग रदरफोर्ड गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि एक चार्ज ऐसे जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा। तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन बनेगा, जबकि लाइन ऑफ साइट पर नहीं रहेगा, इंपैक्ट पैरामीटर है वहां पर उसकी बात कर रहे हैं। एच है मतलब बेसिकली एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम फेंके हैं चार्ज को, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है हमारा। तो अब बताओ क्या होगा ये चार्ज का पाथ कैसा होगा, ये जाएगा अट्रैक्ट तो करने वाला है नहीं, ये तो बोलेगा मेरे पास आना भी मत, दूर से जा रहे हो तो दूर से निकल लेना, जितना दूर से जा सकते हो। तो भाई मैं मिनिमम क्या ये अप्रोच कर सकता था, तो यही अप्रोच कर सकता है कि वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मिनिमम ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। समझ में आ बात है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, एल आई इक्वल टू एल एफ, शुरुआत में क्या जाएगा मोमेंटम एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेट, देखो इस जगह इसके अबाउट बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम ऐसे या परपेंडिकुलर आर जो बनेगा वो ऐसे, लेकिन आर का परपेंडिकुलर बिल्कुल तो एच ये ही बनेगा, तो वेलोसिटी मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी नॉट इंटू एच, तो यहां पर मोमेंटम ऐसे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, मोमेंटम ऐसे एम और क्यू, मोमेंटम ऐसे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे एम वी इंटू आर वी, ठीक है। तो यहां से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v नॉट h अपॉन r मिनिमम, ठीक है। और दूसरा क्या लगाएंगे, यू आई प्लस में के आई और यू एफ प्लस में के एफ, तो भाई ये तो लगता है अब समझ में आ चुका है ना जी। तो शुरुआत में इन्फिनिटी डिस्टेंस सब फेंके है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ ऑफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर के एफ यू क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम हो जाएगा यहां पर, के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम, और प्लस में कैंटीन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बी को यहां से आप पुट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एम वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम प्लस में एम बाय टू बी का स्क्वायर, साफ दिख रहा है, v नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन r मिनिमम का होल स्क्वायर हो रहा है। तो साफ दिख रहा है कि r मिनिमम यहां भी दिख रहा है और r मिनिमम यहां भी दिख रहा है, पावर 2 दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, सॉल्व कर लेना अगर डेटा वगैरह दिया रहता है तो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सवाल भी कर लेते हैं, इस बार देखो ध्यान से क्या कर रहा है, एक चार्ज है क्यू यहां पर है, एक माइनस क्यू यहां पर निगेटिव चार्ज क्यू रखे हैं और इसको वेलोसिटी हम बी नॉट दिए हुए हैं, सेम इंपैक्ट पैरामीटर एच है लेकिन निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन मोमेंटम इसको इधर है, ये जाएगा ऐसे ऐसे और सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऐसे करके और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे आते हुए यहां से ऐसे निकलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगा यहां पर, जिस समय कुछ तो वेलोसिटी इसका भी होगा और हमको यही आर मिनिमम निकालना है कि कितना बनेगा यहां पर, है ना, ये ऐसे ऐसे जाते जाते हुई ऐसे निकल लेगा, ठीक है। तो बस वही एल आई एल एफ करना पड़ेगा, एल आई इक्वल टू एल एफ, सोलर मोमेंटम कितना दिख रहा है, एम वी नॉट इंटू एच एम वी इंटू आर मिनिमम दिख रहा है क्या, यहां से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v नॉट h अपॉन r मिनिमम दिख रहा है, सेम बन गया क्या वही चीज, और दूसरा दिखाएंगे ui प्लस में ki इक्वल टू uf प्लस में kf। शुरुआत में ui इंफिनिटी पर है, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है हाफ ऑफ m v नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू uf, के बारे में क्या ख्याल है,
जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा, जब यहां पर माइनस में q चार्ज हो जाएगा, तो क्या k q सॉरी u क्या लिखेगा, k q q देखना, k q और माइनस q लिखाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ में लिखाएगा ना r मिनिमम प्लस में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एक से घूम रहे तो क्या बन गया यहां से एम वी नॉट का होल स्क्वायर बाय टू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम और प्लस में एम वी स्क्वायर, यानी कि साफ दिख रहा है कि वी नॉट का होल स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ आर मिनिमम का होल स्क्वायर है। स्क्रीन पर आ रहा होगा आंसर, ट्राई करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा और आंसर एकदम बल्कि है, कोशिश करो पहुंचाने का। बाकी यही था टॉपिक नंबर टू। अब टॉपिक नंबर थ्री पर बात करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। वर्क एनर्जी पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज सीख चुके हैं, सॉरी पोटेंशियल करने से क्या दे रहते हैं। तो टॉपिक थ्री हमारा है वर्क डन, है ना। वर्क डन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, वर्क का वैल्यू होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल होता है ना, तो यही हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो ज्यादा आज स्टडी नहीं करेंगे, दो तीन सवाल बना लेंगे उसे खत्म कर देंगे इसको। इसका पूरा का पूरा जो खुल करके सवाल यूज आएगा वो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सीखने के बाद, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, वैसे भी एक छोटा सा क्लू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क के जगह पे हमने निगेटिव ऑफ यू एफ माइनस में यू आई लिख सकते हैं इसको, तो बेसिकली हो जाएगा यू आई माइनस में यू एफ, ये हो गया इसका वर्क डन। तो बेसिकली अगर जब भी बोला जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कहीं पर एक चार्ज को लेके गया है एक जगह से दूसरे जगह, तो कितना वर्क हुआ है वो पूछेगा। तो सिंपल सा काम करना है, इनिशियली यानी कि एक सिस्टम होगा, शुरुआत का एक सिस्टम होगा, उसका एक पोटेंशियल निकालो। जब चार्ज किसी दूसरे कन्फिग्रेशन पहुंचा उस समय पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, दिस इज योर वर्क। समझ में आया, बस। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू टू आर सेपरेशन, ठीक है। एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू, किसी आर सेपरेशन पर है ये, इसको यहां से उठा करके टू आर सेपरेशन पर लेके गए हैं, तो कितना काम करना पड़ा है, बस इतना ही। तो शुरुआत का सिस्टम ये है, बाद में ये हुआ है, तो शुरुआत में पढ़ने से ये क्या लिखोगे के क्यू क्यू अपॉन आर लिखोगे, और बाद में क्या लिखना है के क्यू क्यू अपॉन टू आर लिखोगे। सॉल्व हो जाएगा यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। तो वर्क क्या लिखेंगे, यू आई माइनस में यू एफ, कितना आसान हो गया, सबमिट कर लो, मेरा काम बन गया। तो हो गया से के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, दैट्स योर आंसर। के का जवाब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो भी सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर, इतना हो गया यहां से वर्क डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन तैयार, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया, नहीं लास्ट ही कर देते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। एक चार्ज है यहां पर क्यू, एक चार्ज है यहां है क्यू, यहां पर है क्यू, ये किसी आर डिस्टेंस पर है ये सब, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन व्हेन साइड इज साइड बिकम्स टू आर, साइड बिकम्स टू आर, इसका साइड टू आर हो जाए, यानी कि बेसिकली ऐसा हो जाए पिक्चर, ठीक है। ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, ठीक है। इस समय जब ये ऐसा हो जाए तब बताओ, नहीं और क्या। तो शुरुआत में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिस्टम बनाते ना इस दोनों का, के क्यू क्यू अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, फिर इसका बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये पढ़ चुके हैं ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व कर लेंगे यहां से, अगर थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और सिमिलरली अगर हम यूएफ पे देखें तो हमको फिर से देखेगा थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। तो अगर हम वर्क निकालेंगे तो क्या लिखोगे, यू आई माइनस में यू एफ, साफ दिख रहा है हमको के क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस में थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन
टू आर। सॉल्व करेंगे तो थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर ही आएगा आंसर, इतना। ठीक है, समझ में आ चुका है बात। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। सवाल बनाना स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी। ठीक है, कुछ कुछ सवाल अभी शुरुआत में समझ में नहीं आएंगे। एससी और मार्क का 52 तक इंश्योर कर लो भाई, मन जाना चाहिए पहला सेक्शन से। और सेकेंड नंबर में गॉस लॉ का कंप्लीट 24 क्वेश्चन, ठीक है, सारे हो चुके हैं। कुछ सवाल अब, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आज समझ लो खत्म ही हो गया, नेक्स्ट डे से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, तभी ज्यादा ज्यादा चीजें खुल करके इस चैप्टर में सामने आएगा। अभी तो बहुत कुछ पैक्ड है, पॉइंट चार्ज के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ओके, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो और लाइक कर दो, बस और क्या। मिलते हैं, बाय।